दोस्तों, आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग का देसी स्टाइल में मटन का प्रोग्राम है। अभी तो हम लोग मटन लेने जा रहे हैं मार्केट, और सभी दोस्तों के साथ में आज मेरा एक दोस्त है गगन। हेलो दोस्तों, आगे भी दो हैं, एक दोस्त मेरा, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा आगे कौन कौन है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे फिर से, ठीक है। और जैसा कि अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, थोड़ी ही दूर में एक तो मंगना गेट है, रिफाइनरी गेट के पास, बस अभी इसी रास्ते से जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा मटन शॉप है, जो मटन शॉप वाला है भैया के फ्रेंड है, सारे सब हर बार उसी से लिया जाता है, 10 बार भी उसी से लेंगे। अभी जा रहे हैं और आपको तो दिखाएंगे किस रास्ते से जा रहे हैं, किस दुकान वाले के पास जा रहे हैं, सब कुछ आपको तो दिखाएंगे। हमारे गांव के ही हैं, आप इन लोगों से मिल भी चुके होंगे। तो अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आपको अच्छे से दिखाते हुए जाएंगे सब कुछ। और हमारे ये गौरव भैया जो बाइक चला रहे हैं, चलिए आप लोग दिखाते हैं रास्ते। आपको दिखाते हैं रिफाइनरी गेट का है, कितना गेट नंबर है सबसे, गेट नंबर 9 के पास है कैब, ऑयल फिलिंग का काम होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ। देखिए पूरा भारत में पेट्रोल जाते हैं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और डीजल यहाँ से सप्लाई होती है रिफाइन होकर। हमारे ग्रामीण जाते हुए अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बनेगा। अभी गौरव भैया को अच्छा पहचान है सब चीज़ों का, कैसे क्या देता है। और ये हमारे भैया जो मटन बनाएंगे, मेरा छोटा भाई है, स्टार है ये। हाँ, कभी इससे मिलिए, हर चीज़ में नॉलेज है। ये हमारे बहुत पुराने बचपन के दोस्त है गौरव भैया, हमारे मार्गदर्शक, समझ रहे हैं। हाँ, ये हमारे मार्गदर्शक थे एक टाइम में। देखिए बोलो भाई, कुछ बोलो।
आप जरूर। इस ब्लॉगिंग में आपको एक अच्छा रेसिपी मिलेगा मटन का, जो हमारे देसी स्टाइल में बनता है ना, प्योर देसी, उसी स्टाइल में बनने वाला है। गौरव भैया ये बताइए, आज जब मटन जो बनाएंगे किस स्टाइल में बनाएंगे? देसी स्टाइल बनाएंगे हम लोग, प्योर देसी, प्योर देसी स्टाइल बनाएंगे। आप लोग आइए, देसी स्टाइल खिलाएंगे कभी मटन को। रेसिपी मिलेगा अच्छा सा आज देखने को, बहुत बहुत देखिएगा। ये गौरव भैया एक्चुअली सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, हम पहले भी आते थे ये बनाते थे, आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग भी आइए कभी, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, मटन वाले भैया आएंगे फिर मटन लेके जाएंगे घर, सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है, बने रहिए। यही है दुकान, दुकान है मटन का। देखिए मटन, देखिए यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं सब, काफी इंतजार करना पड़ा भैया, क्योंकि टाइम इनका अभी नहीं हुआ था, तो हम लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ा, बैठे हुए थे। और आपको दिखाते हैं मटन का शॉप, देखिए प्रोसेस कर रहे हैं ये, अब इसको धोया जाएगा, अब आपको दिखाते अच्छे से। ब्लॉगिंग करने का कोई प्लान था नहीं, गौरव भैया मिले बहुत दिनों के बाद तो बोले चलो एक अच्छा सा ब्लॉग करते हैं, तो हमने भी सोचा चलो बैठे हुए तो कुछ और पार्टी भी हो जाएगी और ब्लॉग भी हो जाएगा। सब वेट कर रहे हैं बैठ के, देखिए कितने शिद्दत से वेट कर रहे हैं गौरव भैया और हमारे रिक्की भैया। चलेंगे फिर आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे बनाते हुए। बिट्टू भाई हो गया ना, ले लिए, अब चलेंगे है ना, अब चलेंगे और दिखाएंगे मटन बना के, एक एक रेसिपी आपको अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है, तो अभी चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे। निकल चुके हैं फिलहाल, काफ़ी आज का वीडियो काफ़ी लाजवाब रहेगा, लेकिन हम लोग का डेरा रहा वहाँ पर। वैसे आज मटन का प्रोग्राम है, वैसे भी आप लोग देखे ही होंगे, आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत बारीकी से काटा जा रहा है प्याज, जो गौरव भैया काटते हैं प्याज, ये सारे मसाले हैं, ये इसको कहते हैं तेज पत्ता, यही क्या कहते हैं इसको, तेज पत्ता हमारे लिए है, लहसुन खड़ा मसाला, अदरक लहसुन है, मीट मसाला MDH का है, नहीं सॉरी राकेश का, बहुत अच्छा ब्रांड है, ये प्रमोशन कर दिए ब्रांड का। ये हल्दी पाउडर, और ये कौन सा पाउडर है गौरव भैया,
धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ये मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये सॉल्ट, नमक, और ये चावल है, और ये सूखी मिर्च। सारा जो है मसाला आ चुका है और अभी तैयार हो रहा है। दही 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 बाकी अच्छा है। हाँ, ये एक दही ऐड करने वाले हैं मटन में, बोले बहुत टेस्टी बनता है उसे, है ना गोबे? दही दही हम लोग ऐड करते हैं। अगर तीखा अगर बन गया बाय मिस्टेक, हाँ, तो वो उधर मैनेज कर देगा, वो उसे काट करते हैं। चलिए, और अभी ये सारा देसी जुगाड़ में चूल्हे पे बनेगा, जुगाड़ चूल्हे पे बनेगा। आपको घुमाते हैं डेरा पे, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही स्वच्छ हवा। हम क्या है ना, पार्टी बहुत जगह की है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण मिलता है ना, वो बहुत अलग। देखिए ये बाइक लगी हुई है, गाय माता, यस, देखिए गाय माता खा रही है हमारी। हाँ बोलिए भैया, जाने माना एक्टर बर्तन साफ कर रहे हैं, पार्टी में भी शामिल है आज छोटा सा लड़का, क्या नाम है छोटू? दिलखुश कुमार आए, दिल जीत ले लौड़ा। देखिए भाई बहुत शानदार जो चक्कर लगा हुआ है, आसमान नीली, देखिए। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या कर रहे हैं गौरव भैया। तो ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, अभी देखिए क्या कर रहे हैं गौरव भैया। प्याज ही काट रहे हैं, आंख से आंसू आ रहा है। क्या हुआ गौरव भैया बताइए, खुशी के आंसू या गम के? हाँ दिखाइए, ये देखिए आपको वहीं पर ले जाओ। सरसों का तेल भी है, देसी सरसों का तेल है जो अपने सरसों का निकाला हुआ है, इस डब्बे से कंफ्यूज मत होइएगा, इस डब्बे में डाला हुआ है। और आप देखिए, एक मिनट हमारा रिक्की भाई है ये, और हम लोग सब मिलके मटन को बनाएंगे, देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको आज। एक्सपीरियंस तो बहुत दिनों से है, लेकिन अपने फार्म हाउस पे कभी कभी मौका मिलता है मित्रों के साथ आनंद लेते हुए। चलिए आगे क्या प्रोसेस दिखाते हैं फिर आपको हम। हम लोग मटन दे चुके हैं,
जैसा हम लोग देख चुके हैं। हम लोग फाइनली हम लोग खाने लगे हैं, देख लीजिए खाना रेसिपी स्टार्ट हो गया। बोलो बैठ के अति कहां कहां बोरा छे ए बे अच्छे सुतरी वाला बुढ़िया ने थेबे ऊ कपड़ा ले ले कपड़ा वजह रखा छे देखिए। अरे हां बोलो मैं बोलू हूं बोलू है ये मेरा है देख लीजिए। चलिए आप लोग को फाइनली बना के दिखा ही दिए, देख लीजिए हम लोग फाइनली हम लोग का हो ही गया। इनला पो ले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर आपको मटन चिकन जो भी खाना हो खिलाएंगे। बाय दोस्तों, अब हम लोग खाते हैं ठीक है। बहुत भूख लग गया हम लोग को, बहुत भूख लग गया हम लोग को। चलिए ठीक है, बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खा के बताएंगे।